हेलो दोस्तों, फाइनली मैं आ चुका हूँ यामाहा FZX का रिव्यू करने के लिए ताश्री यामाहा नागपुर के शोरूम में। आई नो बहुत दिनों से आप लोग वेट कर रहे थे कि मैं भी अपनी ओपिनियन बताऊँ इस गाड़ी के बारे में कि यामाहा FZ या FZS के कंपैरिजन में FZX कैसी गाड़ी है, क्या ये उतनी अच्छी लगती है चलाने में, क्या ये दिखने में भी अच्छी लगती है, क्या इसकी फिट एंड फिनिश और बिल्ड क्वालिटी अच्छी है या नहीं है, और इसका स्टाइलिंग कैसा लगता है मुझे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्या ये गाड़ी माइलेज अच्छा दे पाएगी, क्या ये इजी टू हैंडल होगी, उतनी ही रिलायबल होगी जितनी FZ V3 और FZS V3 होती थी। तो वो सब चीज़ों को बताने के लिए मैं आज इसको फर्स्ट इनिशियल रिव्यू देने के लिए आ गया हूँ यामाहा के शोरूम में, और गाड़ी मुझे फर्स्ट व्यू में तो अच्छी लगी। बाकी इस वीडियो में इसको राइड करके मैं इसका पूरा फीडबैक भी आपको जरूर दूंगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। FZX की लेंथ, विड्थ और हाइट थोड़ी थोड़ी सी ज्यादा है FZS और FZ के कंपैरिजन में, बाकी मोस्ट ऑफ द टेक्निकल स्पेसिफिकेशन सेम है। इस गाड़ी को राइड पर ले जाते हुए मैं इसको की और भी ज्यादा डिटेलिंग आपको दूंगा। सबसे पहले गाड़ी का इंजन देखे तो 149cc का FZ वाला ही इंजन इसमें मिलता है, एयर कूलिंग के साथ में, 4 स्ट्रोक सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट के साथ, 2 वाल्व वाला इंजन। बाकी कंप्रेशन रेशियो, बोर स्ट्रोक साइज सब कुछ भी सेम ही है। मैक्सिमम पावर इसमें भी 12.4 PS का ही आपको मिल पाता है 7250 RPM पर, और मैक्सिमम टॉर्क इसमें आपको मिल जाता है 13.3 Nm का 5500 RPM तक। इसका मैक्सिमम पावर का टेस्ट तो मैं बाद में कभी हाईवे पर ले जाकर करूंगा, फिलहाल इसके बाकी के स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। ये गाड़ी भी सिर्फ सेल्फ स्टार्ट के साथ में आती है, इसमें आपको किक स्टार्ट नहीं मिलता, ट्रांजिस्टर कंट्रोल्ड इग्निशन इसमें मिल जाता है सेम एज FZ। बाकी डायमेंशंस का जो डिफरेंस है वो इस तरह से है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपको लेंथ थोड़ी ज़्यादा बड़ी मिल जाती है 30mm से। ग्राउंड क्लियरेंस सेम है दोनों गाड़ी में, हमें 35mm की हाइट का डिफरेंस भी आता है, 5mm का विड्थ डिफरेंस आ जाता है, वजन इसमें 4 किलो तक ज़्यादा है। अब सीट हाइट अगर देखें तो 790mm की मिलती थी FZ में, इसमें थोड़ी सी ज़्यादा है 810mm की, तो थोड़ा सा अलग तरह का राइडिंग पोस्चर और अलग तरह का कंफर्ट इसमें मिलेगा। शॉर्ट हाइट वालों को शायद इसमें FZ से ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी अगर देखें तो FZ में अपने को लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग के लिए 13 लीटर तक का टैंक बहुत काम आ जाता था, लेकिन इसमें आपको 10 लीटर का ही टैंक मिल पाएगा, तो आई थिंक सिटी के लिए एक रेट्रो क्रूजर बाइक कहलाने लायक है। क्रूजिंग वैसे इससे की जा सकती है, बट आप ऐसे हाईवे पर चलाना ज़्यादा पसंद करोगे जहाँ पर आपको फ्यूल स्टेशन जगह जगह मिल जाते हों। बाकी की स्पेसिफिकेशंस में बहुत सिमिलरिटीज है, जैसे कि फ्रंट टायर एंड रियर टायर, 100mm फ्रंट और 140mm का रियर टायर इसमें सेम है, रेडियल ट्यूबलेस टायर। फ्रंट में आपको 282mm का डिस्क ब्रेक और रियर में 220mm का डिस्क ब्रेक मिल जाता है, ये भी सेम एज FZ है। ये गाड़ी भी फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के साथ में आपको मिलती है, इसमें भी आपको वेट मल्टी डिस्क क्लच मिल जाता है और कॉन्स्टेंट मैश टाइप वाला 5-स्पीड गियरबॉक्स भी इसमें मिल जाता है। फ्रंट सस्पेंशन में 40mm के टेलीस्कोपिक फोक मिल जाते हैं और रियर में आपको 7-स्टेप एडजस्टेबल मोनोक्रॉस सस्पेंशन मिल जाते हैं सेम एज FZ। इस गाड़ी में आपको साइड स्टैंड कट ऑफ भी मिल जाता है, MID में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिल जाती है, लेकिन ये गाड़ी ब्लूटूथ सिस्टम के बिना भी मिल सकती है अगर आपको उस सिस्टम की जरूरत नहीं है तो। कलर ऑप्शंस भी इसमें 3 है, ब्लू, ऑरेंज एंड मैट ग्रे, जबकि FZ और FZS में टोटल मिलाकर के कई सारे कलर ऑप्शंस आपको मिल जाते थे। अब अगर बात करूं गाड़ी के राइड क्वालिटी के बारे में तो ऑब्वियसली गाड़ी चलाने में बहुत ज्यादा मजेदार है, थोड़ा सा इसमें इंजन का रिस्पांस डिफरेंस लगता है, वैसे ECU की मैपिंग तो सेम ही है, मैक्सिमम पावर एंड मैक्सिमम टॉर्क के फिगर भी सेम है, तो पिकअप वगैरह में अंतर लगना तो नहीं चाहिए, बट यहाँ पर एग्जॉस्ट का साउंड डिफरेंस बता रहा था कि इंजन का थोड़ा बहुत डिफरेंस तो है, हो सकता है एग्जॉस्ट की टिप ही वैसी बनाई हो, लेकिन इस राइड पोस्चर के साथ में और एक्सेलरेशन के रिस्पांस के साथ में मुझे फील होता है कि थोड़ा बहुत डिफरेंस तो लगता है। अगर आप FZ चलाने के आदि हैं, मतलब अगर आप FZ या FZS के ओनर हैं, तो डेफिनेटली इस गाड़ी को चलाते हैं आप फील करेंगे कि थोड़ी सी अलग गाड़ी तो आप चला रहे हैं, लेकिन यामाहा की फील इसमें अभी भी आती है क्योंकि इंजन रिफाइनमेंट अच्छा खासा है, मजा भी बहुत देती है ये गाड़ी। सिटी में आपको अगर चलाना है और आपको डेली राइडिंग फन चाहिए, माइलेज भी डिसेंट चाहिए है, तो डेफिनेटली आप ये गाड़ी भी चुन सकते हैं। अब सवाल यह है कि यामाहा FZ खरीदी जाए या FZS खरीदी जाए, दोनों ही गाड़ियां वैसे तो काफी खूबसूरत गाड़ियां हैं और अपने आप पे दोनों की अलग पहचान बनती रहेगी। FZ एंड FZS ने काफ़ी अच्छा नाम ऑलरेडी कमाया हुआ है, काफ़ी अच्छा रिलायबिलिटी और अच्छा सेटिस्फेक्शन अपने ओनर्स को दिया हुआ है, तो उसमें तो किसी तरह का डाउट है नहीं। और FZX भी अभी नई नई गाड़ी भले ही आई है, बट प्लेटफॉर्म काफ़ी हद तक के मैच करता है FZ के साथ में, तो वो भी रिलायबल रहेगी, माइलेज भी अच्छा देगी, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं। फिलहाल राइड पोस्चर और बाकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के डिफरेंस के हिसाब से अगर कंपेयर किया जाए तो यंगस्टर्स के लिए थोड़ी और आसान हो जाने वाली है FZX चलाने के लिए, क्योंकि इसकी हैंडलिंग थोड़ी और ईजी है, राइडिंग पोस्चर इसका कम अग्रेसिव है FZ के कंपेरिजन में।
वैसे तो FZ ऑलरेडी काफी कंफर्टेबल बनी हुई थी, पर FZX जो है थोड़ी और स्ट्रेट फॉरवर्ड बैठने का पोस्चर अपन को अलाउ करती है, बट थोड़ी सी सीट हाइट और गाड़ी की हाइट ज्यादा होने की वजह से हो सकता है टॉल राइडर्स में ज्यादा कंफर्टेबल फील करें कंपेयर टू शॉर्ट राइडर्स। बाकी मुझे टेस्ट करना पड़ेगा किसी शॉर्ट राइडर फ्रेंड के साथ में इस गाड़ी के राइडिंग कम्फर्ट को, और मैं आपको दोबारा एक रिव्यू भी दे दूंगा उसके साथ में। ये खड़ी है मेरी यामा FZ V3 टूरर, जिसको मैंने बनाया है अपने हिसाब से टूरिंग के लिए, और दूसरी तरफ मेरे पास है ब्रांड न्यू यामा FZX, जो काफ़ी खूबसूरत गाड़ी है, बहुत लोगों को अट्रैक्ट कर चुकी है। इसके हेडलाइट मुझे काफ़ी अच्छे लगे, क्योंकि इसमें LED DRL कुछ इस तरह से बना हुआ है कि वो ज़्यादा ब्राइट चलता है जब प्रोजेक्टर हेडलैम्प बंद होता है, जैसे ही आपने हेडलाइट चालू कर दिया तो DRL थोड़ा सा डिम हो जाता है, ताकि जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प है उसका इम्पैक्ट बेहतर हो सके। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इनोवेटिव एंड वेरी क्रिएटिव वर्क बाय यामाहा। और बाकी तो हैलोजन इंडिकेटर सेम ही है जैसे FZ में आते थे, और इसको आप LED इंडिकेटर से रिप्लेस भी कर सकते हो बाद में। दूसरी तरफ अगर देखें तो इंजन कंपोनेंट्स वगैरह की फिट एंड फिनिश, थोड़ी सी स्टाइलिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और जो इसका MID है ना डिजिटल वाला, ये भी एक नेगेटिव क्लस्टर ही है, बट थोड़ा सा अलग विजन देता है आपको। डे लाइट में इसकी विजन थोड़ी थोड़ी कम लगती है, बट जितनी ज़रूरत है उतना इन्फॉर्मेशन नज़र आ ही जाता है आपको ड्राइविंग करते वक्त। और ये एक बहुत नई चीज़ मैंने देखी, इसमें आपको मोबाइल चार्ज करने के लिए 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है, विच इज़ अ वेरी यूजफुल फीचर। और मुझे लगता है कार चार्जर अगर आपके पास में है तो आप अपने USB केबल लेकर के आप एक या दो फोन भी इसमें चार्ज कर सकेंगे, और ये चीज़ लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग के लिए मुझे बहुत ज़्यादा यूजफुल लगती है। बाकी तो MID में इन्फॉर्मेशन सेम ही है, दो ट्रिप मीटर, लो फ्यूल इंडिकेशन वगैरह, गियर शिफ्ट इंडिकेटर इसमें नहीं होता है। बाकी के भी कई कंपोनेंट्स में थोड़ी सी फ्रेशनेस देखने को मिली, बट यहाँ पर नीचे एक इंजन काउल भी है, थोड़ा सा सेम ही है FZ जैसा, और काफ़ी सारे पार्ट्स मिसिंग भी है, काफ़ी सारे पार्ट्स अलग भी है, नए भी हैं। वैसे फिट एंड फिनिश तो जोरदार है, बट पीछे की तरफ कोई कवरिंग पार्ट्स नहीं, एक मेटल की ग्रैब हैंडल बार भी है इसमें, और रियर टेल लैम्प भी LED दिया हुआ है, तो दैट लुक्स वेरी नाइस। काफ़ी हद तक डिज़ाइन कुछ सिमिलर पार्ट भी हैं, कुछ नए पार्ट भी हैं, ऐसा नहीं बोल सकते कि FZX एकदम अलग गाड़ी है, बट काफ़ी हद तक सिमिलर है। और टायर भी काफ़ी अच्छे लगे, एग्जॉस्ट टिप ने मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया, जिसका साउंड भी मैं आपको अभी सुनाऊंगा। और यहाँ पर जो राइडर फुटरेस की पोजीशनिंग है ये भी काफ़ी अच्छी दी गई है, ताकि आपको एक अच्छी कंफर्टेबल राइड पोस्चर मिल सके। सो ओवरऑल गाड़ी का डिज़ाइन आपको रेट्रो क्लासिक की फील भले देगा दूर से, बट पास से देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि काफ़ी मॉडर्न टचेस है इसमें, फ्रंट डिस्क ब्रेक, रियर डिस्क ब्रेक, काफ़ी सारे मॉडर्न पार्ट्स, अच्छे ग्राफिक्स का यूजेज, अच्छे फॉन्ट के डिटेल्स। और आपको इसका साउंड सुना देता हूँ, ताकि आपको और अच्छी फीलिंग्स में आ सके। दोस्तों ये वाली है मैट ब्लैक कलर की बाइक, दूर से ऐसा लग रहा था कि ये ग्रे कलर है, बट ये मैट ब्लैक ही है, जैसा कि FZS में मैट ब्लैक आता है। काफ़ी खूबसूरत कलर है ये, जिन लोगों को ज़्यादा कलरफुल गाड़ी पसंद नहीं आती उनके लिए ये डिसेंट कलर अच्छा रहेगा। ऑलराइट गाइस, दैट्स ऑल फॉर नाउ। आई होप आपको अच्छी मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो। FZX को परचेस करने के लिए आपको जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो आपको शायद मिल गई हो, फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय एंड राइड सेफ।